तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपने जो सबसे पहली बात बोली थी कि यू नो ये समझा जाता है कि इंसान को इमोशंस से जो एक्सपीरियंस जो ह्यूमैनिटी का ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो लोग लोक देखते हैं जब उसको जब आप इमोशंस को एक्सपीरियंस करके दिखा रहे हैं तो उसको ये समझा जाता है कि आप इंसान हैं और अगर आप नहीं कर रहे हैं ये सब कुछ तो यूर समथिंग else So there are several components there. One I will tell you really quickly is that there is something called disassociative behavior that happens in trauma. but trauma. feel emotions. So what psychopath feel emotions. All that because it's too much. So yeah, there is a disassociative cognitive behavior. उसके ट्रेट्स बहुत ही बहुत डिफरेंट हैं उसके ट्रेट्स ये हैं कि आप किसी पे जुल्म करके भी आपको कुछ नहीं होगा उस किस्म का या आप किसी मुंह पर तरीके से तकलीफ दे दें किसी को आपको फील ही नहीं होगा कुछ उसके ट्रेट्स ये हैं राइट बिकॉज यूर डिसोशिएटेड डिसोशिएटेड विद योर ओन सेल्फ एंड योर ओन फीलिंग्स बिकॉज ये अना है प्रोटेक्टिव राइट मगर uh, आपको मैं इमोशंस जो है फुली फील करना और एक्सपीरियंस करना इट्स अ वेरी रिच एक्सपीरियंस फॉर ह्यूमन बींग्स एंड आप ह्यूमननेस होती है उसमें अगर आप फुली फील करो मगर एक बात है एक चीज होती है उर्दू में नहीं बोल सकती मैं आपको तो आई एम सॉरी मगर मैं बताऊंगी आपको इंग्लिश में एक चीज होती है इमोशनैलिटी एंड सेंटिमेंटालिटी And there is one that is fully experiencing hai body And you feel it fully, not avoiding it. But yet you don't lash out from that place. you know, they destroy a lot of things. They destroy people, they destroy worlds, they destroy everything with that kind of right? Anger. But if you know how to utilize your anger as energy, आपको मालूम है जैसा utilize करना, तो you can utilize it very, very well by not avoiding it. मगर आप also situation देखते हैं कि the fitrat जो है of anger is simply कि आप कुछ चाह रहे हो, you want something to happen, आप कुछ चाह रहे हो और वो नहीं हो रहा. You want It to happen, and it's not happening. So what you're doing is you're fighting with up laray ho inevitability. And that is bihali. That is suffering. And anybody who's angry is suffering. Anger is suffering. When you're angry, you're suffering. That's the way it is. तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू अदर्स और लाइफ और कुछ और चीज को अपनी जो इडियोज होती हैं उसको आप वो आप चाहते हैं कि वो सब फ्रेमवर्क में फिट हों एंडोंटिक असलियत वाला जो आपको माँ बाप ने बोला डॉक्टर बन जाओ आप बिल्कुल मिजरेबल हो डॉक्टर बने हुए मगर आपको एक्चुअली डांसर बनना था you know, or kuch bhi nahi chill out you know, I mean, you wanted to live a life just the way you wanted to, but you wouldn't have, so that's when anger happens as well, because suppress anger is an energy, emotion um, in it's not from spirituality, but it's actually written in some of the टेक्ट्स ऑफ मेरे फिजिकल वेर दे ब्रेक एड डाउन ब्रेक करते हैं ई इमोशन एनर्जी इमोशन मीनिंग आपका इमोशन अगर आप फुली एक्सपीरियंस करो जितनी भी तकलीफ हो रही हो अगर आप उसमें बैठे सेट विथ इट सेट विथ इट अल्टीमेटली दैट्स ऑल्सो गोइंग टू गो अवे रादर देन लैशिंग आउट राइट इफ यू फील इट

अपने लिए शफाकत और तो दूसरे के लिए शफाकत एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ सेम थिंग विद सैडनेस मोस्ट पीपल डोंट वांट टू फील सैडनेस मगर ये जो स्पिरिचुअलिटी अब मैं स्परिचुअलिटी की बात कर रही हूँ स्पिरिचुअलिटी में सैडनेस जो है वो आप जब आप इतने ब्रेव हो जाते हैं अपने अंदर कायनात में देखने के तो आपको ये पता चलता है कि ये कायनात में जो ये जगह है दिस कुशादा जब मैं बोल रही हूँ right? पास जगह है आप उसको अवॉइड नहीं कर रहे हो अवॉइड कर ही नहीं रहे हो यू नॉट अवॉइडिंग रियली लिटरली देख रहे हो के आप के ये मुझे फील करना है ये एनर्जी एंड मोशन है और इसको अवॉइड नहीं करना है और फिर ये आहिस्ता ये नहीं इसलिए नहीं कि

जज्बातों की फितरत खुद से समझ आने लग जाती है अभी तो मैं आपको बता रही हूँ पर आपका अपना तजुर्बा जो है ना आपको बताएगा कि अरे अगर मैं इसको झकड़ू ना और आइडेंटिफाइड ना हूं तो ये एक्सपीरियंस जो है खुद ब खुद चला जाएगा और फिर उसके बाद मैं सैडनेस से कोई काम ना करूं मैं बिल्कुल क्लैरिटी से काम करूं राइट right? तो हमारे पास जज्बाती लोग हमारे जज्बाती लोग जो है ना कभी पड़ताल उन्होंने, उन्होंने कभी पर, करी नहीं है उनको पता ही नहीं है वो दे कम्प्लीटली फॉब्ड आउट देर नॉट प्रेजेंट दे और आपको जब दुख हुआ तकलीफ हुई तो वो जो है uh, एक्स्ट्रीम अमाउंट ऑफ इमोशनैलिटी चलो ऐसा है कि आप बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हो आपको तकलीफ भी आपको कोई गिन खानदान वाले चले गए डीपली हर्टफुल एंड यस देर इज वे टू डू दैट मगर आप जब इमोशनल मूव कर लेते हैं तो देन दैट्स इट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर देन दैट right but the fact of the matter is we go on and on and on and on my boyfriend leaves me and i'm upset that's emotionality because he doesn't know or she doesn't know how to utilize the energy and then notice that there is something very stable inside and that's the, the universe that's the love that's the uh, वेक नहीं दैट इसल्फ दैट इज योर गॉडली नेचर अच्छा ये हमेशा जो है ये यही पॉइंट पर लेके वापस आता है मुझको कि आप अगर अंदरूनी को अपना जांचें तो आप देखेंगे कि जज्बात आते हैं जज्बात जाते हैं जज्बात आते हैं जज्बात जाते हैं और आपको जब खुद से तजुबा उससे क्या आप अक्लमंद हो जाते हैं आप बहुत ठहराव वाले इंसान हो जाते हैं बहुत स्टडी बहुत क्लियर और आप फील सारा इमोशन करते हैं मगर आप बहुत प्रेजेंट होते हैं उसके साथ मगर आप जो हैं ये नी दिखाते नहीं है ये है कि आपको पास दूसरी मीनिंग है इमोशंस की अब और आप बिल्कुल हर चीज के साथ बिल्कुल लम्हे बालम्हे आप यहाँ पर हैं आप बाहर नहीं है पीछे नहीं है आगे नहीं है uh, अगर आप तकलीफ में भी हैं तो आप फुल्ली प्रेजेंट होते हैं हर चीज का दिस इज अ वेरी रूडिमेंट्री एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल रूडिमेंट्री है